आपके जीवन में आए सुख शांति और लक्ष्मी मुबारक हो आपको इस साल की नाग पंचमी। क्यों खुलता है सिर्फ एक साल में एक दिन यह मंदिर, आज हम बात करने जा रहे हैं उज्जैन के नाग चंदेश्वर मंदिर के बारे में। जी हां दोस्तों, हम बात करेंगे नाग पंचमी की। इस वीडियो द्वारा हम आपको बताएंगे कि भारत में नागों के अनेक मंदिर हैं, इन्हीं में से एक मंदिर है उज्जैन में नाग चंदेश्वर का जी का मंदिर, जो कि उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर की उज्जैन की वीडियो आई बटन में स्थित है, आप ऊपर से क्लिक करके महाकालेश्वर उज्जैन के मंदिर की पूरी इतिहास और हिस्ट्री देख सकते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर साल में सिर्फ एक ही दिन यानी कि नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी पर ही दर्शनों के लिए खोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि नागराज कश्यप स्वयं मंदिर में रहते हैं। नाग तानेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत प्रतिमा है, इसमें फन फैलाए नाग के आसन पर शिव पार्वती बैठे हैं। कहते हैं कि यह प्रतिमा नेपाल से यहां लाई गई थी। उज्जैन के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसी प्रतिमा नहीं है, पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान भोलेनाथ सर्पसैया पर विराजमान है। मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्ति में शिव जी, गणेश जी और मां पार्वती के साथ दशमुखी सर्पसैया पर विराजित हैं। शिव शंभु के गले और भुजाओं में भुजंग लिपटे हैं। सर्पराज तशक में शिव शंकर को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने तशंग नाग को अमृत तत्व का वरदान दिया। उसके बाद नागों के राजा तशक ने भगवान शिव के सानिध्य में ही वास करने से कहा। उसके बाद महाकाल वन में वास करने से पूर्व उनकी यही मंशा थी कि वे उनके एकांत में विघ्न ना हो, अतः वर्षों से यही प्रथा थी कि मंदिर वर्ष में एक बार सावन के महीने में नाग पंचमी वाले दिन ही दर्शनों के लिए खोला जाता है। तो कल है नाग पंचमी, आज का एपिसोड आप लोगों के लिए नाग पंचमी के लिए विशेष है। शेष समय उसके सम्मान में परंपरा के अनुसार मंदिर बंद रहता है। इस मंदिर के दर्शन करने से व्यक्ति किसी भी सर्प दोष से मुक्त करने से व्यक्ति हो जाता है, इसलिए इस दिन मंदिर में भक्तों की ज्यादा भीड़ उमड़ती है। लगभग 2 लाख से ज्यादा भक्त एक ही दिन में नागदेव के दर्शन करते हैं। नाग चंदेश्वर मंदिर की पूजा और व्यवस्था महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासियों द्वारा की जाती है। वर्ष में केवल एक दिन खोले जाने वाले मंदिर उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी स्थित हैं। उस मंदिर का नाम है वंशी नारायण मंदिर। यहां साक्षात नारद मुनि निवास करते हैं। यह मंदिर भी भक्तों के लिए साल में केवल एक बार ही खोला जाता है, जिसकी वीडियो के बारे में हम आपको विस्तार से अगली वीडियो में बताएंगे, जिसके लिए आपको करना होगा मात्र एक काम, चैनल को सब्सक्राइब। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके एक लाइक शेयर से ही हम लोगों को इस तरह की वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो आज हमने आपको बताया नाग पंचमी पर विशेष नाग चंदेश्वर उज्जैन के मंदिर के बारे में, जो खुलता है साल में केवल एक ही दिन।